नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों, जैसे कि हमने कल वीडियो बनाई थी कि घर में कैसे अच्छी बॉडी और अच्छी ताकत बना सकते हैं, उसमें हमने कुछ दंड बताए थे, लेकिन उसमें एक थे रिस्ट पुशअप्स। किसी और बहुत सारे भाइयों को वो दंड लगाने नहीं आते थे, इसलिए ही आज मैं वो दंड बताऊंगा आपको। ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान ही है, अगर आप उनको निरंतर प्रैक्टिस उनका अभ्यास करोगे। उनसे आपके जो हाथ होते हैं, ये चीज़ होती है, मजबूत हो जाती है। जिनके कमज़ोर हो जाते हैं गलत काम करके, अस्थमा खून करके, जिनके ये हाथ यहाँ से कमज़ोर हो जाते हैं, वो मजबूत अच्छी तरह से हो जाएंगे। जिनके हाथ ऐसे कांपते हैं, ऐसे कांपना, कंधों का कांपना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपके हाथ बढ़िया पहले से जैसे पहले थे ऐसे ही हो जाएंगे। बस आपको लगाना सीखना है, करना कैसे है। दोस्तों, हम एक बार आपको पहले रिस्ट पुशअप्स करके दिखाएंगे कैसे करते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि उसकी शुरुआत कैसे बिल्कुल आसानी से और अच्छी तरीके से करें। एक बार पहले आप देखिए रिस्ट पुशअप करते कैसे हैं। ऐसे हाथ करें इस पोजीशन में, सांस भरे रखना है और आराम आराम से ऐसे। ऐसे लगाते हैं, अभ्यास होगा तो आप भी कितने भी लगा सकते हो। लेकिन जिनको अभी शुरुआत करनी है, सीखने आए हैं, उनको क्या करना है, सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाना। इस पोजीशन में आने के बाद अपने हाथों पर थोड़ी तेल की मालिश कर लेना, सरसों की तेल की, और ऐसे रखना, ऐसे ही बैठना जैसे मैं बैठा हूँ, ऐसे पैर करके ऐसे रखने। हाथ ऐसे रख के ऊपर से दबाव देना है इन पर, ऐसे प्रेशर करना है इन पर ऊपर से, यहां से इस जगह से दबाव मारना है नीचे की ओर, जिससे कि ये मजबूत होने शुरू हो जाए, क्योंकि एकदम पूरा शरीर का बैलेंस इन पर नहीं रुक सकता, ये टूटने का डर रहता है ये चीजें। तो आपको क्या करना है, प्रेशर मारना है ऐसे ऐसे नीचे की ओर प्रेशर मारना, जिससे कि ये चीजें मजबूत होनी शुरू हो जाए। 10-15 बार ऐसे प्रेशर मारो। 10-15 बार प्रेशर मारने के बाद आप क्या करना है, थोड़ा अपने पैर पीछे इस पोजीशन में आ जाना है, फिर ऐसे करके ऐसे प्रेशर मारो, ऐसे प्रेशर मारो। 10-15 बार ऐसे प्रेशर मारते रहो, आपके हाथ मजबूत होते रहेंगे। उसके बाद आपको ऐसे आकर पूरे सीधा नहीं होना, थोड़े घुटने उठाने अपने और ऐसे करना, या घुटने लगा भी सकते हैं ऐसे आकर, ऐसे करो। इससे क्या होगा, आपके हाथ आराम आराम से मजबूत हो जाएंगे और आधा जो आपके शरीर का वेट होगा वो घुटनों पर रहेगा। जो पूरा वेट अगर आपका एकदम हाथों पर आ गया तो हाथ टूट सकता है यहाँ से, इस जगह से। इसलिए आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें, आराम आराम से करें। एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसको बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे और मेरे से भी अच्छी तरीके से लगाना शुरू कर दोगे। मैं इतनी अच्छी नहीं लगाता, और आप प्रयास करोगे तो मेरे से भी अच्छी अच्छी लगा दोगे। ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़ी ही सरल है। इससे बहुत ज़्यादा ताकत आती है हाथों के अंदर, बहुत ज़्यादा, पंजे लड़ाने में बहुत ज़्यादा ताकत आएगी। एक बार हम और कंप्लीटली इसको करके दिखाते हैं कैसे करते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, आप भी फिर ऐसे ही लगानी शुरू कर दोगे। हाथ इस पोजीशन में करो, सांस भरे रखना है, ऐसे लगानी है। जब आप परफेक्ट हो जाओगे फिर आप भी ऐसे ही लगा दिया करोगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। पर आपको जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, आपको करना वैसे ही है, उससे पहले आप इसको नहीं कर सकते। दोस्तों, ध्यान बस यही रखना है कि हाथों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। अगर हाथों पर दबाव पड़ा तो टूट जाएगा या सूज जाएगा, उस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। और खाना पीना को अच्छा रखें तो तभी यह भी संभव है, और आपकी हड्डी तो इससे मजबूत होनी होनी है। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।